नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि सल्तनत में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को मिला के 3 दिनों के अंदर 4,622 नए मरीज सामने आए हैं और 143 लोगों की दुखद मृत्यु। यह सल्तनत में लगभग हर आधे घंटे में एक व्यक्ति कोविड के वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठ रहा है। सल्तनत में टोटल मरने वालों की संख्या 3,283 तक पहुंच गई है और टोटल नंबर ऑफ केस 2,75,166 तक पहुंच गए हैं। ओमान में जो ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में अब कुछ सुधार हुआ है, जो रिकवरी रेट है वो 88.3% दर्ज की गई है, यानी कि 2,42,874 लोग इस समय पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। और ओमान में पिछले 24 घंटे के अंदर 171 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और इस समय जो एक्टिव केस हैं वो लगभग 29,000 के आसपास हैं, जो कि पिछले वीकेंड के मुकाबले 1,000 संख्या ये कम है, यानी अभी भी 29,000 लोग कोविड से संक्रमित हैं ओमान में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि कोविड के वैक्सीन के बारे में यदि कोई व्यक्ति भ्रम फैलाता है, उसके बारे में झूठा प्रचार करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोविड से बचने का एकमात्र तरीका है वैक्सीनेट होना। और इस समय सल्तनत में यदि आपको गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट में, कंपनी की तरफ से जैसे भी टीका मिल रहा है तो प्लीज़ लगवा लीजिए, क्योंकि जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे सल्तनत में काफी तेजी के साथ बढ़ रही है, तो यदि सेफ रहना है तो वैक्सीन को लगवा लेना होगा। दुकुम के क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई के लिए ग्रामीण क्षेत्र बिजली कंपनी तनवीर ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम $22.6 मिलियन का निवेश कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में जो आवासीय घर हैं, जो इंडस्ट्री है, वाणिज्य स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, इन सबों को ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्युत है वो सप्लाई किया जा सके। ओमान के जेलों में बंद कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी हो गया है। इसके 8वें चरण में गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने 700 से अधिक कैदियों को रिहा करने की जो फैसले पे मुहर लगा दी है। जी हाँ, ये जो कैदी हैं बहुत सारे जुर्माने को लेकर के जेलों में बंद थे, पैसे नहीं थे इनके पास कि ये जुर्माना को चुकाएं और जेल से बाहर आएं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन 700 कैदियों को अपने 8वें चरण में छोड़ने का फैसला लिया है। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि ओमान में जो गर्मी है वो और बढ़ सकती है और मस्कट के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो गर्म हवाएँ और तेज़ी से आने वाले समय में चलेंगी, क्योंकि मस्कट चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और जब हवाएँ पहाड़ों से नीचे आती हैं तो ये और गर्म हो जाती हैं। हालांकि मस्कट में गर्मी अभी भी है। ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सदस्य हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सऊदी के चैम्बर्स के प्रमुखों से वार्तालाप किया, मीटिंग किया, और इस मीटिंग में दोनों देशों ने एक दूसरे के सहयोग को और बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की, कैसे एक दूसरे के विकास को हम मिलके और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक अपडेट दिया है कि मई और जून के महीने में जो हायर एजुकेशन में एडमिशन होने वाले जो छात्रों की संख्या 44,789 तक पहुंच गई है, जिसमें 23,000 जो पुरुष हैं और 21,000 महिलाएं हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे देशों के ऊपर सुप्रीम कमेटी ने यात्रा प्रतिबंध को और बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि जो लोग ओमान में वापस नहीं जा पा रहे हैं उन्होंने ओमान ऑब्जर्वर से बात करते हुए अपने दर्द को साझा किया कि लोग, हजारों लोग बेबस हैं, परेशान हैं, बहुत लोग अपने फैमिली को दवा कराने के लिए, उनके फादर, उनके फैमिली का कोई मेंबर क्रिटिकल कंडीशन में था, वो अपने देश आए थे, अपनी नौकरी को छोड़ के, अपने फैमिली को ओमान में छोड़ करके आए थे, लेकिन यात्रा प्रतिबंध के चलते वो वापस नहीं जा पा रहे हैं। बहुत लोगों का वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, बहुत लोग अपनी नौकरी से हाथ धोने वाले हैं, और इन सभी लोगों ने ओमान ऑब्जर्वर के माध्यम से सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द यात्रा प्रतिबंध को हटाइए, कम से कम भारत के ऊपर से तो यात्रा प्रतिबंध हटाइए और उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दीजिए जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि वैक्सीन लेकर के भी लोग वेट कर रहे हैं कि कब फ्लाइटें ओपन होगी, कब हम अपनी जॉब्स पे जाएंगे, और जॉब इतनी
क्रिटिकल कंडीशन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आप जान लीजिए कि यदि जॉब चली जाए तो इनके पूरे परिवार इन्हीं के कमाई के ऊपर डिपेंड हैं। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए और जल्द से जल्द यात्रा प्रतिबंध को हटाने के ऊपर अपना फैसला सुनाना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी सभी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।